हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सबसे पहले तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करिए आज के लिए, क्योंकि आज या मे बी कल भी आपको इसी तरह का वीडियो देखने मिलेगा, क्योंकि मैं ट्रैवल में हूँ और मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। सो जैसे मुझे टाइम मिल रहा है या जैसे भी पॉसिबल हो रहा है, मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है? और शॉर्ट वीडियो होगा, बहुत लंबा वीडियो एक्सपेक्ट मत कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या कुछ फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनके ट्रू फीलिंग्स, डिजायर्स, इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जो भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ जनरल रीडिंग होती हैं, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। सो लेट्स सी करंट फीलिंग्स, आपके जो पार्टनर है उनके आपको लेकर क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनके इमोशंस आपको लेकर क्या है। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दो और आई होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। सिर्फ आज या कल की ही बात है, क्योंकि परसों से मैं ट्राईपॉड लगा के नॉर्मल वीडियो बनाऊंगी। हाँ, लेकिन सेटअप थोड़ा अलग होगा आने वाले कुछ दिनों तक, क्योंकि जहाँ पे भी मुझे जगह मिल रही है मैं वहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। सो या लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। द एम्परर है यहाँ पे, एरीज एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना एक ड्यूअल एनर्जी में है, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि ये पर्सन अंदर से बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम डेक में यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। मे बी इन्होंने वॉक अवे कर लिया था, मे बी इन्होंने रिलेशनशिप छोड़ के चले गए थे, डिसीजंस इनके थे, ओके। प्यार होने के बावजूद या फीलिंग्स होने के बावजूद इस पर्सन ने वॉक अवे कर लिया था इस कनेक्शन से। बट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज कि ये पर्सन एक ड्यूअल एनर्जी में इस वजह से है क्योंकि उनका ईगो, उनका जो वो दिखाना प्यार चाह रहे हैं, लेकिन जो उनके एनर्जी निकल के आ रही है वो है ईगोइस्टिक, रैशनल, बहुत ही रुथलेस एनर्जी। तो ये अटके हुए हैं, दो एनर्जी में मुझे अटके हुए से नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? दे डोंट अंडरस्टैंड के वो अपनी ही फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे कहीं ना कहीं। व्हाट मोर डू वी हैव, बट लीड लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। ये एक्शन का ही कार्ड है, ये एक मैस्कुलिन एनर्जी है स्ट्रांग। व्हाट मोर डू वी हैव, आई होप इस एनर्जी में एम्प्रेस की एनर्जी भी आए। सेवन ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है। एंड बॉटम डेक में यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, मैं दिखा देती हूँ आपको। मुझे लगता है कि या तो आप अपने से छोटे पर्सन से डील कर रहे हो, या ये बहुत ही इमेच्योर और कन्फ्यूज्ड एनर्जी है, क्योंकि आई थिंक अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, इफ़ यू हैव ब्लॉक दिस पर्सन, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। या तो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं ब्लॉक से हटाने के लिए। और अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है, कि एनर्जेटिकल ब्लॉक अगर आपने क्रिएट किया है, तो मे बी ये पर्सन आपको मनाने या आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इनका तरीका बहुत ही चाइल्डिश हो सकता है। यू माइट फील कि यार ये पर्सन इतना कैजुअली कैसे चीज़ों को ले सकते हैं, ओके? या तो ये पर्सन, देखिए मैं आपको एक सच बात बताऊँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कवर अप कर रहे हैं, हंसी के नीचे अपने चिड़चिड़ को, अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। व्हाट मोर डू वी हैव, मुझे पता है एक चीज और लग रही है इन दो कार्ड्स को देखकर, वो ये है कि ये पर्सन दे वांट टू टेक सम एक्शन नाउ। वो एक टॉप एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे इट्स हाई टाइम उन्हें लगता है कि अब उन्हें एक्शन ले लेना चाहिए, ओके? व्हाट मोर डू वी हैव, डिवाइन प्लीज गाइड करिए। हैंगिंग मैन है यहाँ पे, पाइसीज एनर्जी है, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये पर्सन मूव ऑन हो पाए हैं फ्रॉम दिस कनेक्शन या आपसे,
ओवरऑल ही अगर देखा जाए तो मे बी दे ट्राइड टू बट हो नहीं पाया है एंड नाउ दे फील स्टक, दे फील लॉस्ट. ओके, उन्हें कोई राह नजर नहीं आ रही है, उन्हें क्या करना चाहिए वो समझ में नहीं आ रहा है. एंड मे बी दिस पर्सन इज नॉट एबल टू स्लीप, या एंग्जाइटी इशूज है, या गिल्ट है बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, सिचुएशन को उलट पुलट करके हर तरीके से समझने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे. व्हाट मोर डू वी हैव? मुझे पता नहीं क्यों आपकी भी एनर्जी स्ट्रेसफुल ही लग रही है. ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ये पर्सन अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं. उनके अंदर देखिए बहुत प्यार है आपके लिए. ओके, एंड बॉटम डेक में है डेविल, तो प्यार भी है, अट्रैक्शन या पैशन कह लो, दोनों चीज़ें मुझे दिख रही है इस पर्सन के अंदर. एंड दे वॉन्ट टू ऑफर दिस कप ऑफ लव टू यू. वो आपको देखिए अभी पता है क्या हो रहा है कि ये पर्सन धीरे 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 बेबी स्टेप्स ले रहे हैं आपके तरफ, लेकिन किसी किसी के लिए मुझे तो ऑलरेडी इस पर्सन के एक्शंस आ चुके हैं और बड़े कैजुअल एक्शंस हैं. आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, यू नो, जब ये पर्सन मुझसे दूर गए या इस पर्सन ने मुझसे दूरी बनाई या जो भी सिचुएशंस हुए, ये पर्सन तो उस बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं, तो दे डोंट वॉन्ट टू रिविजिट द ओल्ड सिचुएशंस. तो मुझे पता है क्या लग रहा है यहाँ पे, ये पर्सन कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्नीक इन करने की कोशिश करेंगे आपके लाइफ में, या करना चाहते हैं. किसी के लिए तो मुझे तो ऑलरेडी इट हैज बीन डन, इन्होंने शुरुआत कर दी है. अगर ब्लॉक किया तो मे बी आपको अनब्लॉक कर दिया है. अगर सिचुएशन स्टक थी तो मे बी मूवमेंट आना शुरू हो गया है. इस पर्सन को अगर रियलाइज नहीं हो रहा था तो मे बी रियलाइजेशन होना शुरू हो चुका है. सो व्हाट आई सी हियर इज ना कि ये पर्सन आपके लाइफ में धीरे धीरे री एंटर करना चाहते हैं, ताकि यू नो आपको पता भी ना चले एंड दे आर बैक इन टू योर लाइफ. Okay, what more do we have, divine? Two of Pentacles, Taurus, Virgo और Capricorn energy है. देखिए कहीं ना कहीं एंड बॉटम डेक में देख रहे हो आप इस पर्सन की एनर्जी को नोटिस करो कि जो बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द डेक में जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ वो सारे प्रैक्टिकल या कह लो एक इनकी स्ट्रांग साइड को शो कर रहे हैं, और बॉटम में सारे कप्स के कार्ड्स हैं. तो ये पर्सन भले ही आपको ऊपर क्या कुछ ना दिखा रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो या फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हो या एक बहुत ही अपनी स्ट्रांग साइड दिखा रहे हो, अंदर उनके बहुत प्यार है, अंदर उनके बहुत सारी इमोशंस है. ओके, सो आई थिंक विद द टू ऑफ पेंटिकल्स हियर एंड द क्वीन ऑफ कप्स इन द बॉटम, पहले मे बी ये पर्सन ना प्रैक्टिकल और इमोशनल बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, बट नाउ दे वॉन्ट टू. अब वो चाहते हैं, ठीक है. और जब इंसान खुद कोई चीज चाहता है ना तो वो उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स डालता है. ओके, एंड नाउ दे आर कमिंग इन बैलेंस, कहीं ना कहीं वो सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड कि आपका प्यार यू नो इररिप्लेसेबल है एंड स्ट्रांग है. आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो प्यार है बहुत ही स्ट्रांग है. व्हाट मोर डू वी हैव, डिवाइन? देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं राइट नाउ. व्हाट डस दिस पर्सन एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू? जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है लीब्रा, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस. तो देखिए ये पर्सन पता है आपसे क्या चाहते हैं, दे वॉन्ट यू टू लुक बैक एट देम. आप वो चाहते हैं आप उन्हें मौका दें, वो चाहते हैं आप उनके लिए सही डिसीजन लें, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए यू नो दे वॉन्ट यू टू टेक पॉजिटिव बिग एक्शंस टूवर्ड्स देम, ठीक है. एंड दे वॉन्ट यू टू मेक अप देयर माइंड टूवर्ड्स देम. मे बी वो चाहते हैं कि आप उनको रिकन्सिडर करें, क्योंकि बॉटम डेक में थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद द जजमेंट. वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दें, आप उनकी उनको समझें, उनके साइड को समझें. उनका नेक्स्ट एक्शन प्रोबेबली क्या आ सकता है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, डिवाइन प्लीज गाइड करें. व्हाट इज दिस पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन गोइंग टू बी? एस ऑफ वॉन्स है यहाँ पे, एरीज, लियो और सैजिटेरियस है. देखिए आई थिंक बॉटम डेक में यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्स है. देखिए पता है क्या हो रहा है, ये पर्सन ने ना फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम ना इस रिश्ते से काफी ज्यादा दूरी बनाई या भागने की कोशिश करी है, या
इट्स अ हैवी बर्डन ऑन दिस पर्सन नाउ, और वो इन टेन ऑफ वॉन्ड्स में से इस वॉन्ड को हल्का करना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, और आप जानते हो एस ऑफ वॉन्ड्स इज अ न्यू बिगनिंग, इज एन यू नो इज अ फ्रेश एनर्जी। तो ये पर्सन इस फ्रेश एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, और वो जो है ये जो बर्डन है उसको ड्रॉप करना चाहते हैं। ओके, दे वॉन्ट टू ऑफर यू वन ऑफ द वॉन्ड्स फ्रॉम दिस। ओके, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स का बोझ उठा रहे हैं, वो अपनी ही एक्सपेक्टेशंस, यू नो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उनसे, जो मे बी उन्होंने पूरी नहीं की है। सो या दैट इज़ व्हाट आई सी। आपकी एनर्जी देख लेते हैं थोड़ा सा, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस पर्सन, या फिर आप क्या फील कर रहे हो। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, एंड बॉटम डेक में फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है। किसी किसी के लिए क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। मे बी आप दोनों के इसमें सिचुएशन में थर्ड पार्टी है। मे बी इस पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको चीट किया, झूठ बोला, आपका दिल तोड़ा, एंड आई थिंक पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि ये पर्सन के इंटेंशन सही नहीं है। अगर ये पर्सन रिकन्सिलेशन के लिए आते भी है आपके पास, आई थिंक यू वोंट ट्रस्ट देम। ओके, मे बी आप उनसे एक हल्का फुल्का रिश्ता बना रखना चाहोगे। ओके, ओवरऑल इस रिलेशनशिप की फ्यूचर एनर्जी क्या है, इमीडिएट फ्यूचर एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज लियो और सैगिटेरियस, और बॉटम में एट ऑफ वॉन्ड्स है। सेम एनर्जी देखिए, और ऐसा सीयर इज ना कि आप मे बी रिकन्सिडर करोगे, मे बी आप इस पर्सन को मौका दोगे और ये पर्सन मुड़कर आपके पास देखेंगे। तो आप दोनों ही मुझे रिलेशनशिप को रिकन्सिडर करते हुए बातचीत से शुरू होगी। सिचुएशंस विल स्टार्ट विद एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, यू नो। या चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं, व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू गाइस। तो मैंने ओरेकल डेक एक ही कैरी किया है क्योंकि ऑलरेडी मेरा बहुत लगेज हो गया था, तो एडजस्ट करिए थोड़ा सा। ओके, आपके लिए दो मैसेजेस निकालते हैं, या क्या मैसेज या क्या एडवाइस है आपके लिए, लेट्स सी। ट्रू लव, यहाँ पे नंबर 30 है, द लव इज वन, दिस लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम। तो देखिए, मैं आपके लाइक मैं आपको कोई मेरी रीडिंग पे बेस्ड मैं कोई डिसीजंस नहीं लेने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये जनरल गाइडेंस है फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंडली आपका डिसीजन है, आपकी फ्री विल है। बट आपको यूनिवर्स यहाँ पे एक सिग्नल दे रहे हैं, इन केस आपके मन में कोई सवाल उठ रहा था, तो ये आपका सच्चा प्यार है। ओके, ये प्यार एक ही बार होगा, ये ऐसा प्यार आपको फिर से नहीं मिलेगा। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव, फिजिकल टच। तो यहाँ पे नंबर 47 है, तो नंबर 11 या नंबर 2 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। तो यहाँ पे आपको क्लियरली यही बोला जा रहा है कि देखिए, अभी इसके ऊपर आपके थॉट्स कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल टच एक ऐसी चीज है ना जो टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है, जो टूटे हुए रिश्ते को हील कर सकती है। सो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि अगर पॉसिबल है और आप रिश्ते में कुछ बदलाव या पॉजिटिव लाना चाहते हो, तो मीट ईच अदर एंड ट्राई यू नो अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का ट्राई करिए। ठीक है, सो दैट वॉज इट। आई एम वेरी सॉरी, आपको पता है मुझे कि थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा ये सेटअप देख के और ये ओरिएंटेशन देख के वीडियो का, लेकिन प्लीज मुझे सपोर्ट चाहिए आपका। जहां से पॉसिबल होगा मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, और इतने तीन ही डेक्स लाई हूं मैं, तो प्लीज एडजस्ट करिए कुछ दिनों के लिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, लेकिन आई हैव टू डू इट फॉर यू गाइज। लव यू।